रक्षाबंधन पर बहनों को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दे दिया है। प्रदेश की महिलाओं को अगले दो दिन तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दे दी गई है। दरअसल महिलाएं 10 अगस्त की रात 12 बजे से 12 अगस्त की रात 12 बजे तक रोडवेज की किसी भी बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ था। कुछ बहनें 11 अगस्त को तो कुछ 12 अगस्त को राखी का त्योहार मनाएंगी। ऐसे में दो दिनों तक उन्हें बस में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने आज परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन विभाग के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान सीएम योगी ने 150 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में दो दो बसें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से चलाई जाएंगी। ये सभी बसें BS6 तकनीक की हैं। इस तकनीक की बसों के चलने से पॉल्यूशन कम होगा। इसी मौके पर ही सीएम योगी ने आज रात 12 बजे से अगले 48 घंटे तक महिलाओं को फ्री बस सेवा का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को भी निःशुल्क यात्रा का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व परिवहन निगम के द्वारा 150 BS6 बसों के लोकार्पण का एक कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों को पहले चरण में दो दो बसेज आज प्राप्त हो रही हैं, आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर इसका शुभारंभ हो रहा है। किन बसेज का उपयोग प्रदेश की बेटियां और बहनें करेंगी और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर पाएंगी और भाइयों के कलाई पर राखी बंधन के माध्यम से, रक्षाबंधन के माध्यम से न केवल उनके दीर्घजीवी होने की कामना करेंगी, बल्कि स्वयं भी अपनी सुरक्षा के प्रति भी उन्हें जागरूक करेंगी। और यह एक रक्षा का जो बंधन है, रक्षाबंधन से ज्यादा इससे अच्छा उपयोग इस कार्यक्रम का दूसरा नहीं हो सकता था। और आज हम सब इस कार्यक्रम को इस अवसर पर यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। आज जैसे हम 48 घंटे के लिए बहन और बेटियों के लिए फ्री में बस की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत शीघ्र 60 वर्ष से ऊपर की हर एक माता बहन के लिए हम परिवहन निगम की प्रदेश के अंदर बस की सेवा को फ्री में भी करने की व्यवस्था करेंगे, जिससे इस कार्यक्रम को हम फेज वाइज आगे बढ़ा सकें। दूसरा, प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है, ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को लेकर के आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। ऐसे में अगर आप भी बस से अपने भाई के यहाँ रक्षा बंधन मनाने जा रही हैं, तो 11 अगस्त को वक्त से पहले पहुंच जाएं और शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।